ये देखें जी, हमारे वॉशरूम की वैनिटीज लग गई हैं। बेसमेंट वाले वॉशरूम का भी दिखाती हूँ आपको कि उसका क्या लगा है। को आज एक काम वाली दिखाता हूँ। बकास है ना, चाय नहीं बनाई थी, जाके अंदर लेट गए थे, मैं बहुत थका हुआ। आर यू गाइस, चुप चुप इसको दो। व्हाट इज योर नेम? चाय वाला। चाय वाला कल मेरी सब्सक्राइबर ने कहा था कि आप दाल चावल बनाना, तो आज इफ्तारी में मैंने दाल चावल भी बनाए थे और स्ट्रॉबेरी का शेक भी बनाया था। और दाल चावल जैसा उसने कहा था ना, तिक्का मसाला डाल के, इतने कोई लजीज दाल चावल बने थे कि मैं क्या बताऊं। फिर हम लोगों ने इफ्तारी की है बैठ के। रोजे में सुबह उठ के ना, बच्चों को स्कूल भेजना, यूनिफॉर्म इस्त्री करना। आओ चलो आता हूँ। यहाँ मैं थी, यहाँ बलाज बाज सारे माशाल्लाह सोए। पता है क्या, बारिश हो रही है बाहर तो इतनी ठंड लग रही है मुझे। आटा बिल्कुल फ्रेश गूंदा हुआ, इतना सॉफ्ट आटा है ना माशाल्लाह से। तो 3 रोटियाँ मैंने बेल ली हैं, सुबह बच्चे स्कूल ले जाएंगे एक रोटी। और ये मैंने आटे वाले बर्तन तो हाथ के हाथ धो दिए थे। शक्कर गोले का गिलास खा लिया, रात को बच्चों ने कड़ी चावल खाए और दूध वाला देख चाय बस ये भी पड़ा हुआ है। आटे वाला मैंने बाउल हाथ के हाथ धो लिया था, क्योंकि आटा मैंने मशीन में गूंदा था ना। अब मैं जल्दी रोटियाँ बेलती हूँ और पकाती हूँ। पराठे बेल लिए, इसमें जल्दी रोटियाँ बन जाती हैं फटाफट से। चाय बन गई ऑलमोस्ट, शेख साहब आ गए नीचे करके। आज हम किचन में इफ्तारी कर रहे हैं, उसका रीज़न ये है कि आज शेख साहब उठे हुए हैं, तो शेख साहब को उठाने वाली मेहनत आज ख़त्म हो गई है मेरी। खाने वाली मेहनत, पकाने वाली मेहनत। चीनी क्यों कम हो रही है? मैंने आज ब्रश किया है, डॉक्टर ने टूथपेस्ट बताया था उससे, देखे ना मेरे मुँह पर स्वेलिंग हो गई थी दोनों दाढ़ों में दर्द से। और फर्क, रोटी खाई जा रही, पर मैं सहेली नहीं की गई, मैं सहेली पर नमाज ऐसे ऐसे करती हूँ। पहले इस दाँत में दर्द थी ना, इसका रोट का नाल खाया, अब कोने वाले दाँत है, बिल्कुल कोने वाले दाँत है, टूट गई मेरी दाँत खुद ही खुद ही। ओके भाई, तो मैंने नमाज पढ़ ली, मैं लगी हूँ सोने। वकास अभी नमाज पढ़ेंगे, वकास के जो कर रहे हैं। एक्चुअली ना हमारे घर के पास मस्जिद नहीं है, हमारा जो एरिया है ना उसकी मस्जिद काफ़ी दूर है, मतलब यहाँ पे पूरे सेक्टर की ना एक मस्जिद है, तो वो बहुत दूर है मस्जिद ना, तो इस वजह से वकास घर में ही पढ़ लेता है। नमाज तो ना पढ़ने से तो घर में पढ़ना ही बेहतर है। सुबह 7 बजे उठ के मैंने इतनी मेहनत से तस्वीर का यूनिफॉर्म प्रेस किया था ना, सच में मैं आपको क्या बताऊं। और जब पूरा प्रेस हो गया और तस्वीर बाजी को मैंने दिया कि ये पहनो, तस्वीर कहती मामा आज तो मेरा स्पोर्ट डे है, तो मैं तो आज स्पोर्ट यूनिफॉर्म पहन के जाऊँगी। मुझे फिर गुस्सा तो बहुत आया। फिर खैर मैंने अर्मिश का भी यूनिफॉर्म प्रेस किया था, क्योंकि उसका ना आज ग्रेजुएशन डे था। उसकी पिक्चर दिखाती हूँ मैं आगे, उसकी मिस ने भेजी थी मुझे, इतनी प्यारी लग रही थी माशाल्लाह। अर्मिश वकास गए बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए और मैं लगी सोने। अभी 8:05 है। क्या टोपी बनाई थी? लेबर लगी हुई है तो बहुत शोर है, बच्चे स्कूल से आ गए हैं, इनकी छुट्टियां ना रमजान में 12:30 बजे हो जाती है। अपने स्कूल का बता रहे हैं कि आज क्या क्या किया था। अर्मिश का आज ग्रेजुएशन डे था माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही है, अल्लाह दुनिया और आखिरत में कामयाब करे मेरे बच्चों को। तो वेदर चेक कर रहे हैं, इतनी प्यारी बारिश है, इतनी प्यारी तेज वाली बारिश, माशाल्लाह 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 से बहुत तेज बारिश। इसके अलावा गुड न्यूज़ ये है, वकास साहब वाशरूम साफ कर रहे हैं। देखें जी माशाल्लाह मेरे वाशरूम की वैनिटीज़ लग गई हैं, कोरियान में लगवाई थी हमने, इसकी भी लग गई है। इसके वाले वाशरूम की भी वैनिटी लगी है, वो भी दिखाती हूँ आपको, लाइट ऑन कर लो जरा सारी। इस वाले वाशरूम की भी वैनिटी लगी है, और फाइनली 5 महीने बाद मेरे वाशरूम में वॉश बेसन लगे हैं। इतने मंथ जो है मैंने बगैर बेसन के गुजारा किया है यार। ऐसा बहुत डेंजरस मौसम हो गया, बहुत ज़्यादा डेंजरस, और ट्यूशन छोड़ कर आना है मुझे अभी इनको। चलो ट्यूशन चलें। ओके भाई, तो अभी मैं आपको इस वाले वाशरूम की भी वैनिटी दिखा दूँ, कितनी प्यारी लगी है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, खैर लाइट ऑन कर दो फिर ना नजर आएगी। टेरेस से भी बारिश देखें। कितनी बारिश हो रही है। ये वाला कमरा खाली किया, जिस कमरे का बेड आ रहा है वो इंस्टॉल हो जाएगा यहाँ पे। वो वाला कमरा भी खाली करना, क्योंकि वहाँ बच्चों का भी बेड आ रहा है, वो भी इंस्टॉल हो जाएगा वहाँ पे। अल्लाह हाफिज़। चलो गाड़ी के अंदर हो जाओ, बारिश हो रही है। ओके भाई, तो बच्चे चले गए ट्यूशन, मैंने अपनी वीडियो एडिट करनी है, वो एडिट करती हूँ, वीडियो शूट करनी है, वो शूट करते हैं, और फाइनली किचन के लिए वकास ने ये मंगवा लिया मेरा। अब देखते हैं इससे वीडियो अच्छी शूट होगी, व्लॉग्स के नहीं होगा शूट। इसके अलावा आज बेड भी आने वाला है, वैनिटीज लग गई हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी खबरें आज माशाल्लाह माशाल्लाह से आपको मेरे चेहरे से ग्लो नजर आ रहे हैं। इसी चीज़ का ग्लो है आज। इसके अलावा मौसम बड़ा अच्छा होगा यार, अल्लाह ताला को पता है आज मेरी बंदी बहुत खुश है, तो मौसम भी बहुत अच्छा हो गया। अभी मैं बैठ के पहले वीडियो एडिट करूँगी। ये देखें जी, गोरिल्ला ट्राइपॉड मैंने लगा दिया है, जो हमारे वो थी ना किचन का कैबिनेट, उसके साथ में। अब आप बताना मुझे क्या व्यू सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसके अलावा मैं यहाँ पे क्या कर रही थी ना, कल वाले वो बचे हुए थे भल्ले, तो मैंने 7 चने फ्रीज किए हुए थे, आलू उबाले हुए थे ऑलरेडी, तो मैंने 7 मसाला उसको और बना दिया। इसके अलावा क्योंकि बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा तेज़, तो मैंने कहा चल आज पकौड़े ही बना देती हूँ साथ में। मिक्स पकौड़े भी बना लिए थे, हरी प्याज वाले, और आलू की टिक्कियाँ भी बना ली थी। और मैंने ना जो ये वाला कटर है ना, वेजिटेबल कटर, इसमें मैंने सामान रेडी किया था। वकास आज हेल्प कराने इसलिए नहीं आया क्योंकि आज इफ्तारी के लिए कोई बंदा नहीं था घर में, हम ही थे बस। तो वकास होता था आज मेरी बेगम कर लेगी, जब कोई ना कोई आया होता ना इफ्तारी के लिए, फिर वकास साथ में हेल्प कराने आ जाते हैं। मेरी आलू की टिक्कियाँ चेक करें, कितनी बड़ी बड़ी आलू की टिक्कियाँ काटी मैंने कटर से।
टेबल कटर ना बहुत अच्छा है, मुझे ना ऑल इन वन स्टोर ने भेजा था। अच्छा यहाँ पे ना मैंने साथ दाल रखी हुई है कुकर में, आपको नज़र आ रही है। दाल वाला क्लिप मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी थी, पता नहीं आईफोन पे मेरी वीडियो लगी हुई थी प्रोसेसिंग में मेन चैनल की, तो इस वजह से उसका क्लिप रिकॉर्ड नहीं किया। यहाँ पे देखिए मैं पकौड़े का मसाला इतनी स्पीड में काटूंगी कि बस मैं खुद हैरान हूँ, ये वीडियो देखे मैंने कैसे काटा है। उसके बाद चावल भिगोए हुए थे वो डाले उबलने के लिए, इसके अंदर मैंने सिरका भी डाला था और ऑयल भी, और चावल इतना खिला खिला बना था माशाल्लाह। उसके बाद जी मैंने तसीर को बुलाया कि तसीर जाओ दस्तरखान बिछाओ साथ साथ चीज़ें लगाओ। फिर एंड में मैंने वकास को भी बुलाया था, मैंने कहा वकास मैंने दाल घोटनी है, ज़रा आके पकोड़े देखने चल जाएंगे। दाल घोटनी थी मैंने, और इसके बाद जी मैंने क्या करना था, स्ट्रॉबेरी वाला शेक बनाना था मैंने। फिर वकास आया, वकास ने अपने, मैंने कहा अपने कचोरियाँ शचोरियाँ देख लो ताकि मैं अपना काम कर लूँ। चावल का पानी निचोड़ के दम पे लगा दिया चावल, दाल को ब्लेंड करके जो है तड़का लगा दिया दाल का, साथ में देखिए मैंने स्ट्रॉबेरी का शेक बना दिया। और जितना स्पीड में वीडियो में काम होता ना, ऐसा रियल में हो तो क्या बात है। चने आपको पता है मैंने फ्रीज किए हुए तो फटाफट बन जाता है। और यहाँ पे जी खजूर खोल के वकास रोज़ा इफ्तार कर रहे हैं और मुझे खजूर पकड़ा देंगे, तुम भी रोज़ा खोल लो। साथ शक्कर कोला बनाया था, आलू की टिक्कियाँ, कचौरी, समोसे कीमे वाले और आलू वाले समोसे, और स्ट्रॉबेरी शेक भी बनाया था आज मैंने ना, मेरा बहुत दिल करा था स्ट्रॉबेरी शेक पीने का। और आज मेरे दांत में दर्द नहीं है ना, इसलिए ढेर सारी चीज़ें बनाई। यहाँ पे जी दुआ मांग के मैंने इफ्तारी की है, वकास पहले ही कर चुके थे इफ्तारी में, थोड़ा सा क्लिप रिकॉर्ड करी थी पर मैंने थोड़ा सा खजूर का दाना मुँह में ले लिया था। फिर यहाँ पर मैंने दुआ मांगी है, उसके बाद जी अब हाज कह रहा था माँ मुझे दाल चावल डाल दो, क्योंकि अब हाज शौक से खाता है दाल चावल। फिर मैंने उसको ना बाउल लेके उसमें दाल चावल डाल के दिए, उनसे पूछा कितने डालूँ दाल कितनी डालूँ। वकास को भी मैंने दाल चावल चखाए तो वो कहते हैं बहुत मजे के हैं यार, मुझे दे दो दाल चावल। फिर मैंने उनको दाल चावल डाल के दी, आपको करीब से दिखा रही हूँ कि क्या शक्ल है दाल की माशाल्लाह। यार आज ना दाल चावल इतने अच्छे बने ना, और चावल भी सही खिले खिले। वकास ने पुराने चावल लाए थे और ना ये ना उस दिन खिले नहीं थे मुझसे, तो फिर मुझे पता चला पुराने भी मैंने भिगो दिए थे बहुत टाइम पहले से ही। मैं भी आपको खा के भी दिखाती हूँ, बहुत लजीज दाल चावल बने और बहुत अच्छे अरसे वाले इतने अच्छे बने। आज ना हमारे यहाँ पे बारिश थी ना, तो आज हमारा रोज़ा देर से स्टार्ट हुआ, मोल भी समझ में नहीं आई। हम ना दाल चावल के पकौड़े रख के खा रहे हैं। एक मिनट डालती हूँ बेटा, एक मिनट। आज मैंने कचौरी फ्राई की तस्वीर के लिए स्पेशल, तो तस्वीर बाजी कह दी कि मामा नान मंगवा दे मुझे पकौड़ों के साथ, यार कसम से। एंड में तुम्हारा पानी होता है ना इसके अंदर, मजा करता है सही मजेदार। उबलने का पानी होता है ना, मेरी मम्मी वेस्ट नहीं करती ना, मेरी मम्मी बल्लों में डाल देती थी, तो मैं वैसे ही करती हूं। आज नरम है तो ले देखो ना, कल भी सॉफ्ट थे। हां कल भी थी, अब तो लो ना कैसी बनी, मामा ने इतनी मेहनत से बनाई है, प्लीज चख लो। देखो अनमिश आप चखोगे मामा से प्यार करती है, ये देखा मामा की फौरन से बात सुनती है, कैसी बनी है। अब तो ठीक बात है, क्या डाल दे दही बने। ओके बताओ कैसी बनी है। हाँ दाल चावल क्यों नहीं खा रही हो, आज क्या खाना था दूसरी बार आपने। नान खाने थे आज। ओके भाई तो मैंने नमाज पढ़ ली है, बच्चे बर्तन ले आए थे सारे, आज मैं इतना ख्वार हुई हूँ ना वीडियो के पीछे। अपनी पापड़ी खानी तो मैं प्लेट बना के देती हूँ आपको। मैंने वीडियो अपलोडिंग में लगाई है 4 बजे की, और वो यूट्यूब की अपडेट आई हुई थी, मैं तो उसके बाद इफ्तारी बनाने लग गई और मैंने देखी नहीं वो, तो वीडियो 6 बजे जाकर पूरे 6 या 5 मिनट पहले लगी है वीडियो, सही फिटेगी वीडियो, आप लोग जाके देख लेना ताकि उसकी रीच ना गिरे। चलो खाओ, चलो पापड़ी डाल के दिए मैंने भाज खाने की, चलो अब मैं किचन समेटती हूँ। आपको पापड़ी चाहिए, नीचे नहीं गिराना। अच्छा ये चम्मच से क्या करनी, हाथों से खाओ पापड़ी। इसके बाद मैंने सारा किचन समेटा है, शेल्फ वगैरह साफ किए हैं, चूल्हा साफ किया है, बर्तन जो इफ्तारी से पहले के थे वो तो मैंने हाथ के हाथ धो लिए थे, आपने देखा था सिंक खाली था बिल्कुल भी, और जो एक्स्ट्रा सामान था वो तसीब से ऊपर रखवाया है मैंने। उसके बाद जी मैंने बर्तन वॉश करना स्टार्ट किए, आज सिंक भी मैंने वॉश करना था, काफ़ी गंदा हुआ था सिंक। कल कोई लड़की ना मेरे लेमन मैक्स साबुन के बारे में पूछ रही थी, ये कहाँ से लिया है। यार मार्केट से मिलता है, आपकी मर्जी, आप टिक्कियाँ लेना चाहो या ये वाला ले लो, मैं ये वाला ले लेती हूँ और ये मेरा आराम से एक महीना निकाल लेता है अगर मैं डिश वॉशर यूज़
ना करो तो, वरना तो दो दो महीने भी नहीं ख़त्म होता। और इससे ना झाग बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है, टिक्की से भी और लिक्विड सोप से भी इतनी अच्छी झाग नहीं बनती। ये जिसके बराबर में आपको पंप से नज़र आ रहा है ना, टूटी के बराबर में इसका पंप वो लगा हुआ है डिश लिक्विड वाला। तो मैं तो लिक्विड यूज़ ही नहीं करती हूँ, मुझे आदत नहीं है, मैं साबुन से धो लेती हूँ। यहाँ पर मैं स्ट्रॉबेरी वाला शेक छान रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना वो छना हुआ शेक पीते हैं, बीच आ जाए तो वो छोड़ देते हैं। शेक छान के मैंने फ्रिज में रख दिया है, बर्तन धुल गए, काउंटर साफ हो गया है। अब बाहर ने जो है ना वो शीट फाड़ दी थी मेरी, तो फिर शीट मैंने उतारी कि दोबारा तरीके से चढ़ाएंगे शीट को, वकास के साथ चढ़ाऊंगे ना फिर ज़्यादा अच्छे से चढ़ेगी। अब यहाँ भी मैंने अपना सिंक वॉश कर दिया, रगड़ रगड़ के उसके बाउल निकाल के साफ़ कर दिए अच्छे से, टूटी साफ़ कर दी अच्छे से, पीछे से खिड़की भी साफ़ कर दिया मैंने, क्योंकि सुबह से सही तेज़ बारिश लगी हुई थी तो बारिश का पानी अंदर आ रहा था खिड़की से ना। अभी हमारा बेक पे फाइबर नहीं लगा, अभी वो लगना है, वो ना कंप्लीशन के बाद लगता है। देखिए जी बर्तन धुल गए हैं, सिंक भी धुल गया है, सारा बर्तन खुश्क होता है तो लगा दूंगी, काउंटर भी साफ़ सुथरा हो गया है। अब मैं जा रही हूँ अंदर, चाय वकास को बोलते हैं बना दें। तस्वीर मेरा ट्राइपॉड रख दो बेटा, ट्राइपॉड दो। तस्वीर कैरम खेलोगे मेरे साथ? तो अभी आपका बेड आ रहा है ना, तो ये अपने बेड पे बिजी हो जाएंगे, उसमें स्लाइड है देखना, ये स्लाइड लेने लग जाएंगे और हमसे कौन सा कैरम खेलेंगे। बच्चों आपका स्लाइड वाला बेड आ रहा है, आर यू गाइज एक्साइटेड? चुप चुप इसको रखो। चलो बताओ समोसा कौन बनाता है, समोसा कौन बनाता है? चाय वाले। मोटू कौन है? बुरा। पतलू कौन है? मैं। आपका नाम क्या है? मोटू। अंकल कौन है? अंकल मैं। सचिदा 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 सुनो, इतनी बैड इंग्लिश आती है इसको, व्हाट इज योर नेम? पतलू नहीं, व्हाट इज योर नेम? अरे यार सही ना, व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर नेम? घसीटर नाम तस्वीर है। व्हाट इज योर नेम? आप घसीटती रहती हो। मैं छोटी हूं, मोटा हूं। और ये बताए कौन है? इनका नाम है चिंगम। आई अम्मा नेम, व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर नेम? अच्छा बताओ बताओ, सॉरी बताओ, कौन डाटा झटका? अल्लाह का पूरा, मैं हूँ डाटा झटका। ये वो है चाय वाला, चाय वाला। दिन चाय तो मेरा मोटू, मोटू खाली पेट दिमाग के बत्ती, खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं, खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं। बताए क्या करूं, समोसा लेके आऊं? मुझे बताओ पहले व्हाट इज योर नेम? अभाज को बताया, आपको नहीं पता? अभाज व्हाट इज योर नेम? चाय वाला, चाय वाला। व्हाट इज योर नेम? अरमीश। व्हाट इज योर नेम? योर नेम ठीक है। व्हाट इज योर नेम? ठीक है, खराब कर दिया। व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर नेम? बोल रहा है चाय वाला। व्हाट इज योर नेम? इज योर नेम? व्हाट इज योर नेम? अभाज। व्हाट इज हिज नेम? व्हाट इज हिज नेम? व्हाट इज हर नेम? मोहम्मद हरवेश। देखिए आप क्या कर रहे हो, वकास ने ना चाय नहीं बनाई थी, जाके अंदर लेट गए थे, कहते मैं बहुत थका हूँ, मैं बहुत थका हूँ। मैंने कहा थके हो या जो भी, चाय बना के दो। मैं बहुत थका हूँ सच में। तुम थक के आ जाओ तो मैं ले आता हूँ। मैं ले आता हूँ, मैं ले आया हूँ। ये ऑयल क्यों आ गया चाय में? अब चाय में ऑयल कहाँ से मिल? आज मैं आपको आज एक काम वाली दिखाता हूँ। बेड आ रहा है ना, ये बीबी सफाई वाली देखा, मैं कौन सा कह रहा हूँ, मैं निकम्मा हूँ, शुक्र है मैं काम वाला। और भाई फाइनली आज बच्चों का भी बेड रेडी होके आ गया। ये सारे ऑर्डर्स ना रमज़ान से पहले के गए हुए थे, पर सारे एक साथ आ रहे हैं ऑर्डर्स रेडी हो के सारे के सारे। ओके भाई, तो माशाल्लाह से आज बच्चों का बेड भी आ गया और हमारा भी आने वाला है बेड। अभी उनकी कॉल आई थी कि हम 10 बजे तक आ जाएंगे, तो वो वाला भी बेड आ जाएगा। अभी मुझे लग गई भूख, मैं खाना गर्म करने लगी हूँ। जी बेटा, और मिल्क शेक मैंने फ्रिज में रखा था, और शिट फ्रीजर में रखा था, वो तो फ्रीज हो गया होगा। ओह बर्फ जम गया, ये तो शिट। खैर जी, अभी हम कुछ खाएंगे पियेंगे, उसके बाद नमाज पढ़ेंगे हम लोग, और बस मैं ये वाला व्लॉग एडिट करूँगी, अपलोड करूँगी। बच्चों का रिएक्शन क्या था? अर्मिश सोई हुई है अभी, तस्वीर जागी हुई है। तस्वीर को तो इस बेड में इंटरेस्ट ही नहीं है, मुझे पिंक कलर का चाहिए मेरा, तो अब इसका कुछ करते हैं, उसका कुछ सिस्टम
बाकी बुला जब आज का रिएक्शन मैंने रिकॉर्ड किया वो मैं आपको कल दिखाऊंगी, क्योंकि आज मैंने कहा आप लोग जरा वो देखो ना वैनिटीज मेरी, मैं भी जाके आपको बेसमेंट वाली वैनिटीज भी दिखाती हूँ, जो बेसमेंट में वैनिटी लगी वो भी दिखाती हूँ कि वो कैसी लगी है, आपको आपको पता चलेगा मैं क्यों इतनी खुश थी आज। आज मैं कह रही थी आज कोई भी नहीं आया इफ्तारी पे, ना रोज कोई ना कोई आ जाता है ना अल्लाह की तरफ से, अभी देखना बेड वाला आ गया, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। अब अका सुन के चीजें वगैरह डाल रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक के लिए गिलास दे दूँ, ट्रे दे दूँ बड़ी वाली, उस पर रख के ले जाए। अच्छा खाना भी है दाल चावल। ओके भाई तो मैं तो खाने लगी हूँ दाल चावल, तो वो भाई लोग कह रहे हैं कि हमने खाना नहीं खाना है, तो दही बड़े बस सिर्फ थोड़े से चख लेंगे और साथ में पानी दे रहे हैं बस सिर्फ। मैंने पूछा कोई चाय कोई मिल्क शेक कुछ भी, चले मुझे खुशी हो रही कोई आ गया खाने के लिए। यार सवाब मिलता है ना, मतलब रमज़ान में जितना बड़ा हो सके ना कोशिश करें नेकी कमाने की। अब मैं अपने लिए साथ में स्ट्रॉबेरी शेक डाला अपने लिए, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे कहा आप दूध का इंटेक ज़्यादा करें, मुझे एक टूथपेस्ट लिख के दिया उन्होंने, तो वो टूथपेस्ट मैंने यूज़ किया है रात को ही, तो मुझे फ़ौरन से फ़र्क पड़ गया था मेरे दांतों में ना, आई थिंक रूट कनाल का कोई चीज़ डाली होगी उन्होंने केमिकल, उससे सेंसिटिविटी हो गई होगी मेरे दांतों में, कुछ पता नहीं किससे हुई थी। अच्छा भाई तो अभी हम आए हैं बेसमेंट में और मैं आपको दिखाती हूँ बेसमेंट की वैनिटी कैसी लगी है। आय हाय बारिश का पानी देखा ना कैसे आ रहा है नीचे, क्योंकि अभी वहाँ पे शीशा नहीं लगा हुआ आया हुआ रखा हुआ है, पर एक्चुअली ना ये वाले शीशे बनने के लिए गए हुए हैं ना, तो वो कह रहे थे कि उस वाले शीशे को हम इसलिए बंद नहीं कर रहे कि ये बहुत बड़े बड़े शीशे हैं और शीशा बैंड नहीं होता, तो वो वहाँ से सीधा सीधा उतर आएगा, जब वो ये वाले शीशे लग जाएंगे तो फिर हम आपको वाला शीशा लगा के देंगे। हालांकि वो शीशा खेलना छाड़ सारी बात छोड़ेंगे, देखें कितना प्यारा लग रहा है यार, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी मैं बाहर खड़े होकर माशाल्लाह बोल रही हूँ। अच्छा काफ़ी लोग बोल रहे थे वॉशरूम में नहीं बोलते, पर वैसे मैंने एक वो सुनी थी हदीस थी या क्या थी किसी अल्लाह के वली का वाकया था कि वो कहते हैं मुझे ना वॉशरूम में पता नहीं उसने क्या बोल दिया एकदम से, उसने बोला मुझे शर्म आती है। अच्छा हर चीज़ अल्लाह का जिक्र करती है, तो अल्लाह उनको ना उन्होंने दिखाया कि बाथरूम का लोटा टूटी हर चीज़ अल्लाह का जिक्र कर रही थी। इस तरह कुछ होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोग सर्च करना कहीं गूगल यूट्यूब पे कहीं मिल जाएगा वो आपको। तो जिस बंदे को आदत हो ना हर बात में माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की चीज़ें कहने की, तो निकल जाता है मुँह से बंदा जान के नहीं कहता। और अभी कौन सा ये यूज़ हो रहे हैं, अभी तो टच भी नहीं हुए, अनटच पड़े हैं, फिर भी मैं ख्याल करूँगी कि ना बोलूँ। और जो मैंने सुबह बोला ना, मैं वाशरूम के बाहर खड़ी थी, ऐसे दरवाजे के बाहर दोनों वाशरूम्स के, मैंने वहाँ से करके कैमरा से लगी वीडियो रिकॉर्ड की थी जैसे अभी कर रही हूँ। तो ये देखें ये इसकी वैनिटी लग गई है खूबसूरत सी, और ये सारे कोरियन में बने। अच्छा कोरियन में बनवाने का मैं आपको मकसद बता देती हूँ क्यों बनवाई हमने, ये मार्बल में भी बन जाती बट कोरियन में ना महंगी तो बनती है, पर आप देखें कहीं पर भी इसका जोड़ नहीं होता, ये देखें कहीं पे भी इसका जोड़ नहीं है, किसी जगह पे आपको इसका जोड़ कट कुछ नज़र नहीं आएगा। इसका ये फ़ायदा होता है, इसका जोड़ नहीं आता, खूबसूरत बड़ी लगती है। ये किचन भी वकास इसलिए बोल रहा था कि कोरियन का लगवा लो, क्योंकि ना मार्बल के अंदर तीन जोड़ आए हैं ना, तीन पीस आए हैं उसके, कोरियन पूरा एक पीस आता है, तो वो भी आज उन्होंने पता किया है किचन कोरियन का बनवा ले तो कितना खर्चा आएगा, तो उसने बताया कि इतना खर्चा आएगा। आप क्या पता, वो कह रहे थे जो आपका ग्रेनाइट लगा हुआ है ना इसी के ऊपर ही लग जाएगा, इसको आपको हटाना नहीं पड़ेगा और मजबूती भी हो जाएगी और बहुत प्यारा भी लगेगा। लेट सी करवाते हैं कि नहीं करवाते, अभी विकास कह रहे हैं भी सारे काम करवा लूँगा पहले, बाद में देखेंगे अगर समझ में आता हुआ तो करवा लेंगे। मिस्त्री साहब ने ये टाइल भी निकालती है, जो टीज छोड़ दी है, फिलिंग भी विकास बेचारे ने खुद की है सारे बाथरूमों की, जहाँ जहाँ पे लग रहा था सामान, अब इस वाले बाथरूम की फिलिंग रह गई है। अब ये कह रहे थे अब बेसन लगना तो मैं कर लूँगा इसी फिलिंग तरीके से, ऊपर वाले कमरे की भी जहाँ पे बेड लगना है आज, उसकी भी फिलिंग विकास ने खुद की है। सो खैर ये मेरा आज का व्लॉग था, आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा इसको एडिट करते हुए, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है रमज़ान रूटीन का माशाल्लाह माशाल्लाह से। बच्चे बड़े होकर देखेंगे यार हमारी मामा कितनी मेहनत करती थी, मतलब मैं खुद भी बड़े होकर देखूंगी, बड़े मतलब बुजुर्ग होकर देखूंगी कि मैं कितनी मेहनत करती थी माशाल्लाह, कितनी मेहनत से घर बनाया था हर चीज़ के लिए, और आप लोग इतना प्यार कर रहे हो, थैंक यू सो मच। ऐसे बस वीडियो को लाइक किया करो यार, जितना ज़्यादा वीडियो लाइक होती है ना, तो मैंने आपको बताया पहले भी कि वीडियो की ना रैंकिंग अच्छी होती है, कॉमेंट्स ज़्यादा होते हैं, लाइक ज़्यादा होता है, व्यूज़ ज़्यादा होता है, तो यूट्यूब भी फिर रिकॉग्नाइज करता है अच्छा भाई क्रिएटर अच्छा काम कर रहा है, तो लोग इसके काम को पसंद कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये ना, मैं चाहती हूँ, मैं ना बहुत सी ऐसी खवातीन है जो घर में लेके काम करना चाहती हैं और अपनी लिमिट में लेके काम करना चाहती हैं, ज़रूरी नहीं कि फैशन करो, बहुत ब्रांड के कपड़े पहनो, ब्रांड के बैग्स लो तभी कुछ होगा, तो मैं चाहती हूँ मैं ऐसी खवातीन के लिए, तो मैं चाहती हूँ ऐसी खवातीन जो घर बैठ के बच्चों के साथ काम करना चाहती ना, तो मैं चाहती हूँ कि ना वो लोग जो मेरा चैनल देखे ना, तो उन सबके लिए इंस्पिरेशन बनूँ, वो बोले कि जब ये बंदी एक कमरे से काम स्टार्ट करके अपने घर में आ सकती है ना, और बगैर किसी वल्गर कंटेंट के, बगैर किसी फैशन शो के, ब्रांडेड कपड़े 15-16-17 हज़ार के सूट ये वो,
इसके बगैर जब ये यहाँ तक आ सकती है तो हम क्यों नहीं आ सकते हैं, हम भी आ सकते हैं। तो मैं ऐसे इंस्पिरेशन बनना चाहती हूँ सबके लिए। तो बस आप सब लोग दुआ करना, अल्लाह मुझे मेरे मकसद में कामयाब करे, अल्लाह इज्जत वाली शोहरत दे, आमीन। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करना, कमेंट कर जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। मेन चैनल का लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसकी वीडियो देख लेना जाके, ठीक है। और अपना ढेर सारा ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।